हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम जानेंगे मकर संक्रांति पर्व के बारे में। हिंदू धर्म के अनुसार यह हिंदुओं का एक प्रमुख त्यौहार है। यह पूरे भारत में मनाए जाने वाला वर्ष का सबसे पहला बड़ा त्यौहार है। तो चलिए फ्रेंड्स, जानते हैं मकर संक्रांति कैसे, कब, क्यों मनाया जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं तब मकर संक्रांति मनाई जाती है। वर्तमान शताब्दी में यह त्यौहार जनवरी माह के 14वें या 15वें दिन ही पड़ता है। जब सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण होते हैं, मतलब पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध सूर्य की ओर मुड़ जाता है, उस दिन मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। इसलिए इस पर्व को उत्तरायण भी कहते हैं। इस दिन से पृथ्वी की उत्तरी गोलार्ध में दिन लंबे होते हैं और रातें छोटे होने लगती है। शास्त्रों में दक्षिणायन को देवताओं के शयन का समय माना गया है, साथ ही उत्तरायण को देवताओं की जागृति का समय माना गया है। इसलिए इस दिन जप, पुण्य कार्य, दान, स्नान, तर्पण, श्राद्ध आदि धार्मिक कार्यों का बहुत ही महत्व है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन शुद्ध घी और काले कंबल का दान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। मान्यता अनुसार गरीबों में काले तिल के बने व्यंजनों का वितरण करने से शनि का कुप्रभाव कम होता है। इस दिन सूर्य भगवान की पूजा होती है क्योंकि सूर्य को प्रकृति का कारक माना जाता है। भारतीय कैलेंडर के अनुसार उत्तरायण का त्यौहार उस दिन को चिन्हित करता है जब सर्दी गर्मियों में बदलने लगती है। इस दिन खिचड़ी और तिल खाने की परंपरा होती है। इसका वैज्ञानिक महत्व ये भी है कि देश के ज़्यादातर हिस्सों में ठंड रहती है और अचानक से सूर्य का एक राशि से दूसरी राशि में जाना मौसम में बदलाव लाता है। तिल, गुड़ और खिचड़ी में वे सभी पोषक तत्व होते हैं जो शरीर को गर्मी देती है और रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाती है। यह त्यौहार किसानों के लिए संकेत है कि सूर्य वापस आ गया है और फसल का मौसम आ रहा है। हरियाणा और पंजाब में यह त्यौहार लोहड़ी के रूप में 13 जनवरी को मनाया जाता है। इस दिन अंधेरा होते ही आग जलाकर अग्निदेव की पूजा करते हुए तिल, गुड़, चावल और भुने हुए मक्के की आहुति दी जाती है। गुजरात में इस त्यौहार को उत्तरायण के नाम से जाना जाता है। इस मौके पर गुजरात के अलग अलग शहर में जैसे वडोदरा, राजकोट, गांधीनगर और अहमदाबाद में पतंग उड़ाई जाती है। पूरे विश्व में गुजरात की पतंगबाजी प्रसिद्ध है। इस दिन पूरा आसमान रंग बिरंगी पतंगों से सजा हुआ दिखता है। सभी अपने छतों पर रंग बिरंगी पतंग लेके सुबह से शाम तक त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। साथ ही चिक्की, गजक और मूंगफली का भी लुफ्त उठाते हैं। कई जगह पर पतंग खेल और प्रतियोगिताएं भी होती है। वैसे पतंग उड़ाने की परंपरा सुबह के सूरज के स्वस्थ संपर्क के लिए है। किरणें बहुत ही स्वस्थ होती है और विटामिन डी का एक समृद्ध स्रोत प्रदान करती है। सूरज की रोशनी त्वचा के संक्रमण से छुटकारा पाने में भी मदद करती है। सूर्य की किरणें सर्दी को ठीक करने वाले प्रमुख कीटाणुनाशक के रूप में कार्य करती है। दक्षिण भारत में इसे पोंगल नाम से मनाते हैं। दिल्ली में फ्लाइंग फेस्टिवल मनाया जाता है। हालांकि पतंग उड़ाने की शुरुआत कब और कैसे हुई, इसके इतिहास को लेकर अलग अलग मान्यताएं हैं। पतंग का इतिहास 2000 साल से भी अधिक पुराना है। कहा जाता है कि पतंग का आविष्कार सबसे पहले चीन में किया गया था और शानडोंग, जो पूर्वी चीन का प्रांत था, उसे पतंग का घर कहा जाता है। वैसे अलग अलग मान्यताएं हैं पतंग के आविष्कार को लेकर, जैसे कि पतंगों को मापने, हवा का परीक्षण, सिग्नल भेजने और सैन्य अभियानों के संचार के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ऐसा कहा जाता है कि उत्तरायण शुक्ल पक्ष के दौरान मृत्यु होने पर व्यक्ति मुक्ति प्राप्त करता है। महाभारत युद्ध के 10वें दिन जब पांडव राजकुमार अर्जुन ने भीष्म को कई बाणों से छेद दिया था, उन्हें बाणों की सैया पर लकवा मार दिया था। 51 रातें बिताने के बाद उन्होंने अपना शरीर उत्तरायण पर छोड़ा था, अर्थात त्याग किया था। भीष्म धीमी और दर्दनाक मौत की पीड़ा को झेलने के बावजूद एक शुभ दिन मरना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने इस दिन का इंतजार किया था। इस दिन दान, पूजा पाठ, जप तप,
स्नान आदि धार्मिक क्रियाओं का विशेष महत्व है। कहा जाता है कि इस दिन दान पुण्य करने से 100 गुना बढ़कर पुनः प्राप्त होता है, जिसके कारण लोग इस दिन गंगा में स्नान और दान पुण्य करते हैं और इस दिन से शादी विवाह मुंडन गृह प्रवेश जनेऊ और नामकरण आदि के लिए शुभ समय शुरू हो जाता है और खरमास समाप्त हो जाते हैं। आशा है फ्रेंड्स आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय फ्रेंड्स।